ऑल इन वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो NIOS के माध्यम से जो शिक्षक वैसे शिक्षक जो DL कोर्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे एक क्वेश्चन मस्ट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से, किसी भी टीचर से, आप किसी भी प्रोफेसर से संज्ञानात्मक विकास के बारे में आप जब बात करेंगे तो उन्होंने वो बताएंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो चलिए, आप उसके बारे में टोटल जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। लेक्चर आप सुनिए, पूरा वीडियो को देखिए। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है, जैसे यहाँ क्लिक करिएगा आपको यहाँ पर बेल आइकॉन आएगा। तो आप बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन मेरे द्वारा दिया जाएगा, अपलोड किया जाएगा वीडियो, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, आज संज्ञानात्मक विकास के लिए शिक्षण टॉपिक पर बात करते हैं, लेक्चर करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास मतलब संज्ञानात्मक का शाब्दिक अर्थ होता है जानने की कला। तो जानने के लिए मतलब जानने के विकास के लिए शिक्षा कैसे दिया जाए बच्चों में, बच्चों का ज्ञान कैसे विकास किया जाए, आज ये टॉपिक है। और संज्ञानात्मक का मतलब होता है जानने की कला, जो अब पहले मैं बता दिया। समानतः यह जानने, समझने, क्रियाओं एवं सूचनाओं के उपयोग के संबंधित है, मतलब उपयोग से संबंधित है। ये आपको जानने से, समझने से और क्रियाओं को जो करते हैं उसके बारे में है। ये बच्चों में कैसे विकास किया जाए इससे संबंधित है। ये मानसिक योग्यता एवं बौद्धिक घटकों के रूप में समझा जाता है। मतलब संज्ञानात्मक का मुख्य पाठ मानसिक योग्यता से है, दिमाग से है, बुद्धिमत्ता से है। ये डायरेक्ट दिमाग की बात हुई हो रही है कि दिमाग जो है, जो बुद्धि है, उसका विकास कैसे किया जाए। और संज्ञानात्मक विकास करने वाले बौद्धिक विकास से जुड़ी हुई अवस्थाओं, प्रक्रियाएं क्या-क्या हैं, इन सभी के बारे में आज इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है। तो संज्ञानात्मक विकास को देने के लिए बहुत सारे सिद्धांत हुए, बहुत सारे सिद्धांत आए, लेकिन इन सभी सिद्धांतों के बीच में जीन पियाजे द्वारा दिया गया सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो जन्म से 14 से 15 वर्ष तक के बच्चों को उन्होंने अध्ययन किया जीन पियाजे ने। और ये भी मैं बता दूं कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के, आपके बुक में नहीं है, आप डिटेल पढ़िएगा, गूगल में सर्च करिएगा तो आपको मिलेगा। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के विकास के क्रम के बारे में अध्ययन उन्होंने किया। और इस क्रम में उन्होंने बताया कि बच्चों में ज्ञान का विकास किन किन श्रृंखलाओं से, किन किन अवस्थाओं से होकर होती है, उनका उन्होंने अनुमान लगाया, ताकि शिक्षक को बच्चों की समस्याओं को समझाने में, उनके जो समस्या है, किस अवस्था में क्या समस्या आती है, इसको उन्होंने अध्ययन करके शिक्षकों को सहायता करने के लिए प्रस्तुत किया। तो मैं बता दूं कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने दिया, जो आप लोगों को नीचे यहाँ दिया हुआ है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी गत्यात्मक काल, जिसे दूसरा इसका नाम है संवेदी प्रेरक काल, जिसका आयु होता है 0 से 2 वर्ष। तो संवेदी प्रेरक है क्या? तो संवेदी का अगर आप तोड़ते हैं तो संवेदना होता है, संवेदना। तो जब बच्चा 0 से जन्म लेता है, उस समय से लेकर 2 वर्ष तक की आयु में कोई भी चीज़ जो होता है अनुभव द्वारा, संवेदना द्वारा वो तो सीखता है। जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, बच्चे उनका उपयोग करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो उस समय, उस जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, उसमें बच्चे क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि भाई उसमें क्या अध्ययन करेंगे, क्या ज्ञान सीखेंगे बच्चा। उस अवस्था में बालक अपने माता पिता के, आप अनुभव किए होंगे कि आप उस समय में बालक जब अपने माता की गोद में होता है तो वो शांत होता है, रोता नहीं रहता है। जैसे ही उस बच्चे को दूसरा कोई व्यक्ति लेना चाहता है, वो रोने लगता है, वो उसके पास नहीं रहना चाहता है, उससे वो डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उससे वो परिचित नहीं है। और माँ से फिर कैसे परिचित है उतना ही उम्र में? वो इसलिए परिचित है क्योंकि वो माँ के द्वारा
प्रतिदिन किए गए एक्टिविटी, उसके लिए जो काम होता है, उसके शरीर का सुगंध है, उसको वो अनुभव करता है, वो जानता है कि ये मेरी माँ है। उसके द्वारा जो क्रियाकलाप होता है उसको वो अनुभव करता है, जो अन्य व्यक्तियों में वो अनुभव नहीं कर पाता, जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। ठीक, और ये शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करता है इस अवस्था में। दूसरा अवस्था है पूर्व क्रियात्मक काल, जिसे पूर्व संक्रियात्मक काल भी बोलते हैं, जिसका काल होता है, समय होता है 2 से 7 वर्ष। इस वर्ष, इस उम्र में बालक किसी वस्तु को, आप जब बच्चे को दिखाइएगा तो वो बच्चा, जैसे बताइएगा कि ये ग्लास है, ये ग्लास है, इसमें पानी रखा हुआ है, उसको बताइएगा तो बोलेगा हाँ ये ग्लास है, इसमें पानी रखा हुआ है। अगर जैसे ही ग्लास को आप हटाइएगा वहाँ से, फिर बताइएगा बाबू जाओ ग्लास में पानी लाओ, तो वो नहीं जानेगा कि ग्लास क्या है, पानी किधर है, वो आपको पानी नहीं ला के दे पाएगा। तो इस अवस्था में बालक जो होता है प्रतीक वस्तु पर को पहचानता है, जो दिखाया जाएगा वो कुछ क्षण के लिए होगा, वो उसी क्षण उसको महसूस करता है, उसी क्षण के लिए उसके पास होता है। उसके बाद जैसे ही आप वस्तु को उसकी नज़र से हटाएंगे, वो वस्तु को फिर वो नहीं बता पाएगा। ठीक, इसमें जो होता है मतलब बच्चे का विकास जो होता है क्रम बाई क्रम आगे बढ़ता है। तो अगला क्रम है स्थूल संक्रिया काल। तो स्थूल संक्रियात्मक काल, इसे पूर्व के बाद मूर्त भी होता है, स्थूल भी, यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक काल भी बोल सकते हैं, जो स्थूल है उसे मूर्त संक्रियात्मक काल भी बोल सकते हैं, जो 7 से 11 अवस्था, 11 या 12 वर्ष तक के लिए होता है आयु के लिए। इसमें बालक जो होता है अहम केंद्रित होता है, वो उस कहेगा ये मेरा ही चीज़ है। देखते हैं कोई बच्चा, कोई दूसरा बच्चा आपके घर आए और वो आपका सामान उठाएगा, तो आपका बच्चा तुरंत उससे छीनेगा कि नहीं ये मेरा सामान है, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये अवस्था है, और इस अवस्था में बच्चा नकल की प्रवृत्ति होती है, नकल करने लगा शुरू कर देता है। और इस अवस्था में बालक जो होता है वो काफ़ी मैच्योर होते चला जाता है। और औपचारिक संक्रियात्मक काल, इसमें बालक काफ़ी विकसित हो जाता है। यह अवस्था जो होता है बिगड़ने की अवस्था कहा गया है, और इसमें वो अपने आदर्शों के, अपने दूसरे के साथ जुड़कर काम करना चाहता है इस अवस्था में। तो और बच्चे अपने ज्ञानात्मक विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए दूसरों का भी सहायता लेता है। और ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था बिगड़ने का ज़्यादा समय होता है, ये बिगड़ने का समय मतलब बच्चे रास्ता से भटकते हैं वाली अवस्था होती है। इसमें गार्जियन को ध्यान देना अति आवश्यक होता है। तो प्रत्येक अवस्थाओं पर बच्चे के व्यवहार विशेषताओं का वर्णन संज्ञानात्मक विकास के समझने के लिए, एक शिक्षक को सहायता के लिए जीन प्याजे ने इन अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा। ठीक, आगे हम जानते हैं कि अधिगम करने वाले बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे, किन कारणों से वो पढ़ना नहीं जान रहे हैं, इन सभी के बारे में आप लोग को बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आप लोग को चार्ट दिया गया है, इसमें संविधि प्रेरक, जो मैं आप लोग को इससे पहले ही बता दिया हूँ, जो 0 से 2 वर्ष का होता है, बुद्धि संबंधी गतात्मक होता है, वो कोई भाषा नहीं समझता है, कोई विचार नहीं कर सकता है, किसी वस्तु को वास्तविकता से कोई परिचित नहीं होता है। और आपको यहाँ पे जो जो काल है आप लोग को यहाँ पे बताया गया है स्थूल काल, जो मैं आप लोग को यहाँ पे बता चुका हूँ। तो इन सभी अवस्थाओं से होते हुए जीन पियाजे ने इन सिद्धांतों को बताया, और मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ जन्म लेता है बच्चा, मतलब कि बच्चा जन्म जब लेता है उस समय से उसका ज्ञान का विकास, बुद्धि का विकास, संज्ञान का विकास शुरू हो जाता है, और जिसकी अधिकतम वृद्धि और विकास 14 से 15 वर्ष तक की आयु में होता है। इसीलिए ने कहा गया है कि बच्चा 14 से 15 वर्ष में जो सीख लेता है वो सीख लेता है, उसके बाद सिखाना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक, और जीवन के पहले से 2 वर्ष तक के बारे में, जो आप लोग को बता दिया है संवेदी प्रेरक अवस्था के बारे में, आप लोग को जो मैं बताया हूँ यहाँ पे दिया गया है। तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के, बुद्धि के विकास के लिए जो जो अवस्थाएं ऊपर मैं पढ़ाया हूँ, वो सारी अवस्थाओं को यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो आप लोगों को लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास के शिक्षण के लिए जीन प्याजे द्वारा दिए गए
सिद्धांत को वर्णन करिए, चाहे चार अवस्थाओं को जीन प्याजेट द्वारा दिए गए चार अवस्थाओं का वर्णन करिए, तो आप इन चारों अवस्थाओं को याद कर लें कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये अवस्थाएं याद कर लें, किस अवस्था में क्या होती है इसकी भी जानकारी आप रखें, और चार अवस्थाएं उसका कालक्रम और किस अवस्था में क्या विकास होता है क्या विकास नहीं होता है इसके बारे में आप कुछ विशेषताएं हैं जो उसको आप जानिए। और आप लोगों को आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो नैतिक विकास या कोहलबर्ग, बहुत सारे हैं जैसे आप लोगों को पढ़ना है जीन प्याजे पढ़ना है, बाइगोत्स्की पढ़ना है, कोहलबर्ग पढ़ना है, तो ये टॉपिक को अगले नेक्स्ट टाइम हम पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, कुछ आप सजेशन भी दे सकते हैं, और आगे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, प्रेस करें। थैंक यू, हैव नाइस डे।